एवरी टाइम एवरी डे इस लॉकडाउन के माहौल में पता भी नहीं चलता यार जून है या मई। By the way, कहना है बहुत कुछ उससे। अरे भाई 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 किसे? अभी फ्लो में हूँ, चल हट मेरे को शुरू करने दे, वैसे भी गुस्सा बहुत है। आजकल चला है एक ट्रेंड, लोग ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहे जैसे तुम ही उनके सच्चे वाले फ्रेंड। द थिंग विच इज शोन, बेबी इफ यू फीलिंग लोन जस्ट गिव मी अ सिंगल फोन। आई मीन सीरियसली, जब सच्ची में हेल्प चाहिए होती है ना तो सब साले हो जाते मौन। अब कैसे बताऊं मैं तुम्हें है ये कौन कौन? डिप्रेशन नहीं है कोई बीमारी, एग्जैक्ट रीजन बताऊंगा एक एक करके बारी बारी। लोग अच्छे हों उन्हीं पे होता है डिप्रेशन का असर, क्योंकि बस बातों में निकलते लोगों के वीएक्स और साइनाइड से जहर। फॉर्मेलिटीज पूरा करना बहुत है आसान, अगर ये भी सीखना है तो सीखो ना फ्रॉम अपने बॉलीवुड के भाईजान। बंद करो यार लोगों को दिखाना डट के तुम कितने हो महान। अब क्या होगा, अब तो जनता भी गई आपकी असलियत जान। हिपोक्रेसी की भी सीमा की है कुछ लोगों ने पार। अरे 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 समझ गए ना तुम, नना दर्दन हम टॉकिंग अबाउट धर्म प्रोडक्शंस करण जौहर। जिस तरह की फैलाई है तुमने ये क्रांति, नहीं मिलने देंगे तुम्हें एक पल की भी शांति। बस ये पब्लिक ही है जो बना देती तुम जैसों को महान, इसी ने ना बनाया तुम्हें शाहरुख से किंग खान। बस कहने को अच्छा है तुम्हारा वर्क, अब झूठी हिपोक्रेसी देख के नहीं पड़ेगा किसी को कोई फर्क। असलियत के बाद अब तो जनता भी हो गई है सतर्क, जाओगे तुम भी सालो नर्क। चलाया है कुछ चूतियों ने नेपोटिज्म का खेल, स्टिल फेसिंग द पेन, जाने कब से रहा होगा अपना हीरो ये सब झेल। असलियत आने तो दो, जाएंगे सब साले जेल, और नहीं मिलेगा कसम से किसी को कोई बेल। यार गर्व होता है मुझे भी दैट कि वी हैव एक्ट्रेस लाइक कंगना रनौत, दिल से इस लेडी के लिए रिस्पेक्ट कसम से बहुत। एवरी टाइम एवरी डे जस्ट थिंकिंग अ लॉट, क्या सच में करेंगे लोग शाहरुख सलमान की फिल्में बॉयकॉट? एक मैसेज है फॉर आवर इंडियन यूथ, प्रॉब्लम्स आए तो डोंट चेंज द रूट, डरो मत यार अगर हो जाओ गलती से फेल। ये लाइफ है मेरे भाई, या उल्टा सीधा चलता ही है खेल। यू ऑल्सो लाइक अदर्स बट नॉट इन एवरी केस, प्रॉब्लम्स आएंगे बट यू रियली नीड देम टू फेस। मेरे भाई जिंदगी इज जस्ट ऑल अबाउट अ रेस, अभी और इस पल के मायने ना कि बचपन के ग्रेस। मत लो जिंदगी का जरा सा भी स्ट्रेस, आगे या पीछे करना तो पड़ेगा सब कुछ फेस। अगर बीच में पैर लड़खड़ा गए तो क्या तुम भी छोड़ दोगे इस जिंदगी की रेस? अगर मेरी तरह तुम्हारा भी है बड़ा सपना, खुद ही के लिए यार जितना हो सके तपना, क्योंकि माँ बाप के अलावा साला कोई नहीं अपना। यू नो व्हाट द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब कोई बड़ी मुश्किल आएगी ना तो कोई नहीं लेगा तुम्हारा स्टैंड। तुझे देख कर देंगे सब अपने ऊपर हाथ, एंड बिलीव मी माय ब्रदर फ्रॉम माय हार्ट, तब पता चलेगा तुम में कौन सी वो नेक्स्ट लेवल वाली बात। इस लाइफ में मैंने एक बात बहुत अच्छे से जानी है भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, झूठों की यही वाणी है, समझ रहे हो ना? इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, इसी में सावधानी है। देन से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो, जमीन पे रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो गाइस, बाय बाय।